जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल एनकाउंटर में मारे गए लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू का शव बरामद कर लिया है। सुरक्षा बलों ने कल अनंतनाग के अरवानी में लश्कर के इस खूंखार आतंकी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। एनकाउंटर के बाद चले सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को 3 शव मिले हैं। पुलिस के मुताबिक 2 अन्य शव भी लश्कर के आतंकियों के ही हैं। दोनों के नाम आदिल और नसीर है। इन तीनों शवों के साथ भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। संवाददाता मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मंजूर, आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए मीनाक्षी, कल कुलगा इलाके में जो करीबन 8 घंटे तक मुठभेड़ चली, रात भर ये ऑपरेशन जारी रहा और आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने एनकाउंटर साइट पर 3 शव बरामद किए हैं और जिनकी पहचान जुनैद मट्टू और उसके 2 साथियों की हुई है, जो लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर थे जुनैद मट्टू, और उनके पास में से भारी मात्रा में उनका हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। तो करीबन 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और एक बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को मिली है। और फिलहाल वहां पर ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है, डेड बॉडीज को रिकवर किया गया है और उनके पास में जो हथियार और गोला बारूद था वो भी बरामद कर लिया गया है। और इस बात की अब पुष्टि हो चुकी है कि जुनैद मट्टू जो है इस कमांडर इस मुठभेड़ में अपने 2 साथियों के साथ मारा गया। बिल्कुल, शुक्रिया मंजूर जानकारी के लिए।